हरे कृष्ण। अश्विन माह की पूर्णिमा का दिन शरद ऋतु का वह महत्वपूर्ण दिवस है जब सौभाग्य, धन व ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी की पूजा भारत के विभिन्न प्रांतों जैसे उत्तर भारत, उड़ीसा, बंगाल व महाराष्ट्र में की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी का जन्म हुआ था। इस दिन माँ लक्ष्मी अपनी सवारी उल्लू पर बैठकर भगवान श्री विष्णु के साथ पृथ्वी का भ्रमण करने आती हैं। इस दौरान माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर आकर लोगों का दुख हरते हैं। इस दिन को कोजागरी लक्ष्मी पूजा कहते हैं। कोजागरी को जागरण की रात्रि भी कहा जाता है, जिसका तात्पर्य है कोजागृति, अर्थात कौन जाग रहा है। वह माता लक्ष्मी यह प्रश्न करते हुए भ्रमण करती हैं और इसी कारण उनके भक्त व जन समुदाय उनके आशीर्वाद की इच्छा के लिए रात्रि जागरण करते हैं व उनकी आराधना करते हैं। इस दिन को कौमुदी उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। कौमुदी का अर्थ है चंद्रमा की रोशनी। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से संपन्न होकर अमृत की वर्षा करता है, इसलिए इस रात में खीर को खुले आसमान में रखा जाता है और सुबह उसे प्रसाद मानकर खाया जाता है। इससे रोग मुक्ति होती है और उम्र लंबी होती है। निरोग तन के रूप में स्वास्थ्य का कभी न खत्म होने वाला धन दौलत से भरा भंडार प्राप्त होता है। विज्ञान के अनुसार भी शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा हमारी धरती के सबसे नजदीक होता है, इसलिए चंद्रमा के प्रकाश में मौजूदा रासायनिक तत्व सीधे सीधे धरती पर गिरते हैं और खाने पीने की चीजें खुले आसमान के नीचे रखने से चंद्रमा की किरणें सीधे उन पर पड़ती हैं, जिससे विशेष पोषक तत्व खाद्य पदार्थ में मिल जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए अत्यंत अनुकूल होते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुष्णामी चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः, अर्थात मैं रस स्वरूप अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। भगवान और उनकी शक्ति का अद्भुत संयोग। इस दिन माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त विधि विधान पूर्वक उनका व्रत करते हैं। माता लक्ष्मी के भक्त उन्हें अनेक नामों से पुकारते हैं, जैसे श्री पद्मा, उलूक वाहिनी, चंचला, ऐश्वर्या, जगन माता, रमा, भार्गवी और अष्टलक्ष्मी, जो है आदि लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धैर्य या वीर लक्ष्मी, गजलक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या और धनलक्ष्मी। और यही माता लक्ष्मी भगवान श्री विष्णु की शाश्वत संगिनी है और भगवान श्री विष्णु परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का ही एक विस्तार है। श्री विष्णु लक्ष्मी माता से किसी हेतु की इच्छा नहीं रखते, क्योंकि वे स्वयं में ही पूर्ण हैं, संतुष्ट हैं। परंतु देवी लक्ष्मी अपने आराध्य, अपने स्वामी की सेवा के लिए सदैव उनके कमल चरणों में निवास करती हैं। जब परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने श्री राम का अवतार लिया तो वे सीता के रूप में आए। जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस धरा पर आए तो वे रुक्मणी के रूप में उनके साथ आईं। अतः कभी कभी ये बहुत हद प्रभ करने वाला होता है कि लोग लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं, उनकी पूजा से उन्हें संतुष्ट करना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, परंतु वे उस देवी के परम आराध्य, परम प्रिय स्वामी भगवान श्री विष्णु को भूल जाते हैं। शास्त्रों में एक उत्तम उदाहरण है सुदामा ब्राह्मण का, जो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, उनके बाल्यावस्था के सखा थे। वे अत्यंत दीनहीन अवस्था में अपना जीवन यापन कर रहे थे, परंतु उन्होंने अपनी भक्ति से, अपने समर्पण से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया, जिससे रुक्मणी अर्थात लक्ष्मी माता इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने सुदामा को अनेक जन्मों तक इंद्र से भी श्रेष्ठ ऐश्वर्य प्रदान किया। अर्थात भगवान कृष्ण की भक्ति प्रेम पूर्वक सेवा से ही लक्ष्मी माता संतुष्ट व सर्वाधिक प्रसन्न होती हैं। अतः यदि हम चाहते हैं कि लक्ष्मी जी सदैव हमारे गृह में निवास करें, हमें जीवन पर्यंत सुख संपत्ति धन धान्य ऐश्वर्य प्रसिद्धि आदि की प्राप्ति होती रहे, तो हमें यह प्रयत्न करना होगा कि श्री भगवान नारायण सदैव हमारे घर में रहें।
और जब हम भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा व भक्ति करेंगे तो अवश्य ही भगवान हमसे प्रसन्न होंगे और उनके प्रसन्न होने से लक्ष्मी जी सदैव ही हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाती रहेंगी। और भगवान की सेवा कोई भी कहीं भी किन्हीं परिस्थितियों में भी कर सकता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रहितम अश्नामी प्रयतात्मनः। अर्थात प्रेम से भक्ति भाव से अर्पित किए हुए तुलसी पत्र, एक फूल, फल और जल को भी मैं स्वीकार करता हूँ। तो इस प्रकार प्रेम और सेवा से कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है, जिससे वे प्रसन्न होंगे और सदैव हमारे घर में निवास करेंगे। और इसमें कोई संदेह नहीं कि जब नारायण हमारे घर में निवास करेंगे तो लक्ष्मी जी भी अवश्य ही हमारे ऊपर प्रसन्न होंगी और हम पर अपना वरद हस्त रखेंगी। इस प्रकार कोजागरी पूर्णिमा का यह दिवस ऐसे उत्सव का समय है जब हमें धन व ऐश्वर्य की खोज करनी चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए, फिर चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक। इस प्रकार प्रतिवर्ष किया जाने वाला यह कोजागर व्रत लक्ष्मी जी को संतुष्ट करने वाला है और इससे प्रसन्न हुई माँ लक्ष्मी इस लोक में तो हमें समृद्धि देती ही हैं और शरीर का अंत होने पर परलोक में भी हमें सद्गति प्रदान करती हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।